को इनकम नहीं मिल रही है, जब हम दूसरे सेक्शन को देखते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं सिंपल सा। 1970 में गेहूं का दाम 76 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2015 यानी 45 साल के बाद बढ़कर 1450 रुपए प्रति क्विंटल हो गया 2015 में। उसी दौरान मैंने बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का हाल देखा, उनका क्या हुआ इनकम का। मैं सिर्फ बेसिक पे और डीए ले रहा हूं। उसी दौरान में 45 साल के पीरियड में सरकारी मुलाजिम की जो बेसिक पे और डीए है वो 120 से 150 गुना बढ़ गया, और जो स्कूल टीचर्स की जो तनख्वाह बढ़ी है उस दौरान में वो 280 से 320 गुना बढ़ गई, और जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं उनकी तनख्वाह 150 से 170 गुना बढ़ी है उस 45 साल के पीरियड में। किसान की जो इनकम है, जो गेहूं के दाम से या धान के दाम से आप नापेंगे, वो 19 गुना बढ़ती है। अगर ये जितने सरकारी मुलाजमों की भी अगर इनकम 19 गुना बढ़ी होती तो ये नौकरी छोड़ चुके होते आज तक। प्रॉब्लम यह है कि किसान का हक क्या बनता है। अगर हम 45 साल के बाद जब उसको 1450 रुपए मिले थे, अगर मैं 100 गुना भी उसकी इनकम बाकी इनकम पैरिटी के नॉर्म से चलता हूं, तो उनकी इनकम जो है या उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 7600 रुपए प्रति क्विंटल बनता था। यह उनका हक है, 7600 रुपए क्विंटल बनता था, उनको मिला 1450 रुपए। फिर यह कहा जाता है साहब ये पैसा कहां से आएगा। कभी आपने पूछा जब कॉर्पोरेट को पैसा दिया जाता है कहां से आएगा? कभी आपने पूछा सातवां वेतन आयोग का पैसा कहां से आएगा? सातवां वेतन आयोग जब सारे देश में फैलाया जाएगा, अभी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो क्रेडिट स्विस बैंक की स्टडी कहती है 4,80,000 करोड़ रुपए हर साल एडिशनल खर्चा होगा। किसी ने नहीं पूछा कि पैसा कहां से आएगा, किसी ने नहीं कहा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। आप किसान को 2,00,000 रुपए दे दीजिए, 2,00,00,000 करोड़ रुपए अनाउंस कर दीजिए साल का देंगे, हाहाकार मच जाएगा इस देश में। अरे ये पैसा व्यर्थ जा रहा है, ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं, ये सारा कुछ होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। लेकिन इंप्लॉइज के लिए किसी ने कहा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा? ये सारी इकोनॉमिक नीतियां हमें जानने की जरूरत है। ये किस तरीके से डिजाइन बनाया गया है कि किसान को हम गरीब का गरीब ही रखें, और ये पॉलिसी कितने दशकों से चलती आ रही है, सब सरकारें इसमें सम्मिलित हैं। अब आपका जो सवाल था कि ये क्या कारण है, इसका कोई बीच का रास्ता भी हो सकता है। बीच का रास्ता हम क्या ढूंढते हैं, मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए। जब आपका इनकम मिलती है, सातवां वेतन आयोग मिलता है, या किसी को भी अपनी इनकम मिलती है, तो क्या कभी किसी ने सोचा है कभी किसान को कभी हाउस रेंट मिला हो, कभी एजुकेशन रेंट मिला हो, कभी हेल्थ अलाउंस मिला हो, कभी बच्चों के लिए मेडिकल अलाउंस मिला हो? किसानों को क्यों, ये क्या किसान नहीं क्या इस सोसाइटी में रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको 21,000 रुपए कपड़ा धोने के लिए मिलता है हर साल का। डिफेंस वालों को 20,000 मिलता है हर साल का कपड़ा धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। और वो लड़ाई कर रहे हैं आजकल, डिफेंस वाले कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट वालों को ज्यादा क्यों मिलता है, हम तो बॉर्डर पे रहते हैं। मेरा ये सवाल है, क्या किसान के पास कपड़े नहीं होते धोने को? कभी आपने सुना है कि किसान के कपड़े के लिए 20,000 रुपए भी कभी उसमें ऐड किया गया हो? मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या करते हैं हम, जो उसकी लागत लगती है और फैमिली लेबर जो लगती है उसको जोड़ लेते हैं, बस यही। और अभी तो इंप्लॉइज के लिए 108 अलाउंसेस भी होते हैं, अभी तो तनख्वाह और डीए के बाद 108 अलाउंस मिलते हैं। जिस भी सज्जन को 108 अलाउंस मिलते हैं उसको तनख्वाह की क्या जरूरत है, मुझे ये बता दीजिए। लेकिन अगर मिलते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलने चाहिए, लेकिन क्या किसान ने क्या गलत किया है कि उसको नहीं मिलते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कभी किसान के एमएसपी में हाउस रेंट जोड़ा गया है, कभी उसका मेडिकल अलाउंस जोड़ा गया है, कभी उसके बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस जोड़ा गया है? क्यों, क्या उसने बच्चे नहीं पालने हैं? हम ये क्यों मान के चलते हैं कि किसान तो हमारे देश के ऊपर बोझ है, इसके ऊपर हम दान कर रहे हैं? आप दान नहीं कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप किसान को निचोड़ रहे हैं, और उसी के साथ आपकी अर्थव्यवस्था चलती है। ये अर्थव्यवस्था के जब तक हम ढांचे को नहीं देखेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि किसान को मार इतने सालों से क्यों पड़ रहे हैं।